फाइनल ट्रक अपना दिखाया जाए कि दिख कैसा रहा है। हर हर महादेव। गाड़ी देख रहे हो, ये हमारा ही है। ये भी छोटा पड़ गया हमको। Guys, I am driving my brand new truck. Story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Guys, you family, welcome back to my today's vlog. And आज का vlog शुरू होता है रांची से। रांची में morning में हम लोग यहाँ पे छोड़ कर जा रहे हैं अभी जमशेदपुर टाटा। आयरन सिटी से ज्यादा फेमस है और ये रास्ते पे मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो काफी नई नई चीज देखने को मिलेंगे, तो आई विल शेयर इट विथ यू। तिलैया का ही है GH12 and 47। ये जो गुरुकुल देख रहे हैं वो बाबा रामदेव के द्वारा स्थापित है। ये स्कूल है, मतलब एक टाइप का, जो भी कहो यार, काफी बड़ा है। पढ़ाई के साथ लग रहा है पैसा भी खूब पीटे देख के लग रहा है। नहीं, जैसे क्या होता है ना बेटा, जैसे बनाने का हुआ ना, एक बच्चा पे ये है चाहू है, सब दानी दाता लोग है, सब फंडिंग कर दिया। होता है, बाबा लोग को बहुत फंडिंग आता है। जो मंदिर देख रहे हो यहाँ में, धोनी अभी भी आया करते हैं। स्पेशली ये मंदिर उन्हीं के नाम पे ज्यादातर फेमस है। सारा डेवलपमेंट से लेकर के हर कुछ उनके द्वारा किया हुआ है यहाँ पे, मतलब मोस्ट ऑफ, ये नहीं, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट हाँ ये चीज़ है कि इनके आने के बाद ये मंदिर बहुत फेमस हुआ, मतलब बहुत पहले से आया करते थे यहाँ पे। और आसपास ही बहुत प्यारा प्यारा सीनिक व्यू है। कैमरा प्रॉपरली दिख नहीं रहा है लेकिन आंखों से दिख रहा है कि रोड पूरा तप रहा है। अब लेट मी टेल यू कि हम टाटा क्यों जा रहे हैं। तो हम लोग एक नया ट्रक ले रहे हैं। हम लोग हाल फिलहाल में एक पुराना ट्रक को बेचे थे, उसके बदले हम लोग एक नया ट्रक लेने जा रहे हैं टाटा। टाटा में जा करके टाटा का ट्रक ले रहे हैं। अभी 2 सेकंड पहले शॉट में कैसा दिखाए थे, कैसा मौसम चल रहा था, और अभी बारिश हो रहा है। अभी जैसे टाटा हम लोग जिधर क्रॉस कर रहे हैं ना, इधर ज्यादातर हम एक चीज नोटिस किए, एलिफेंट्स का अंडरपास दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट्स का ट्रेसपास ज्यादा होता है। साइड साइड में भी लोहे का पूरा वो ग्रिल्स लगे हुए थे। लग रहा है कि बारिश का मौसम आ गया। अब ऐसे भी क्लोज टू क्लोज 1 महीने और टिकेगा गर्मी, उसके बाद तो बारिश आ जाएगा। गर्मी से छुटकारा मिल जाए, बारिश से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, मतलब इतना तेज बारिश। अपना ट्रक यहीं पे बन रहा है। बॉस, ये अपनी ट्रक अभी भी काम चल रही है। ऑफिस में बैठे बैठे बातचीत चल रहा था पापा का, और इधर देखो बारिश पे बारिश हो जा रहा। करने को कुछ है नहीं, मुझे भूख लग गया था। फोन का बैटरी भी एकदम 3% हो गया, चार्ज करने के लिए चार्जर लेने आए। गाड़ी निकलने में 5 बजने वाला है। 2000 का नोट चलाने के लिए ट्रक नहीं लिया जा रहा है। और आपको सिनेमैटिक्स भी चेक कराएंगे, थोड़ा सा बारिश का मौसम रहेगा तो ट्रक का सिनेमैटिक बहुत प्यारा आएगा। पेमेंट देने के लिए 2000 रुपए का नोट दिए, तो बोलते हैं पाजी नहीं लेता, मतलब पंजाबी होटल था। पापा वही बोले लिख के देगा, कि लिख के तो देता नहीं, बट हाँ कैमरा लेके जाते तो जरूर ले लेता, इसका तो श्योरिटी था। कैमरा एक पावर है खुद में। एक तो जो जानकार लोग हैं वो तो जानकर नहीं भिड़ते, जो अनजान है उनको कैमरा का डर रहता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत पावर आ गया। क्रिएटर के पास बहुत पावर है, इसको यूज इफिशियंटली और सही तरह से करने का है बस। सामने अभी व्यू देखो, देख के एकदम लग रहा है ऊटी में आ गए। रात का 8 बजने को है कि अभी तक हम वहाँ पे रांची वापस चले जाते, बट अब जा रहे हैं यहाँ से मंदिर। मंदिर में गाड़ी की पूजा होगी, लेकिन उससे पहले आप लोग को एक्सक्लूसिव सिनेमैटिक और साथ में हम लोग बैठ के अंदर तक दिखाएंगे। पंडित जी से बात हुआ, कुछ सामान है वो सब अभी ले लेते हैं, और उसके बाद गाड़ी लगभग 1.5 घंटे में आएगा। देखो इस ट्रक की भी पूजा हुई है। अभी 9:30 बज गए, 9:30 बजे तक पंडित जी बुलाए थे पापा, उनको पोटने के लिए गए। अब मैं यहाँ से ट्रक लेके जाऊँगा, मतलब चला के नहीं, फाइनल ट्रक अपना दिखाया जाए कि दिख कैसा रहा है। तो ये अपना भाई फाइनल ट्रक कुछ ऐसा दिख रहा है। ये अपना पीछे का बॉडी, ये आगे का। जय श्री श्याम, ये गाड़ी अपनी निकल गई। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय हो।
अभी हमारे गाड़ी चला रहे, आपका नाम क्या हो गया? नागेश्वर। हाँ नागेश्वर, सबसे अच्छी बात है भाइयों की, खास बात देखो, दोनों भाई अभी साथ में और साथ में यहाँ पे साथ निभाना हो तो इनसे सीखो, भाई हो तो ऐसे हो। अब जो है हमारी जान विश्वकर्मा भगवान इन्हीं के हाथ पे, दो तीन दिन से ये इंतजार में खड़े, उसके बाद जाकर के आज गाड़ी मिल रहा है। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। ये चलते हैं पूजा कराने, अलग ही वाइब आ रहा है यार, मतलब 4 साल बाद गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी देख रहे हो, ये हमारा ही है, तो इधर वाला नहीं। पापा चढ़े गया एक बार, उसके आगे मना है, उसके आगे तुम अभी एक्सपोर्ट नहीं हो। भाई ये भी छोटा पड़ गया हमको। अच्छा है, अब लगता है इसी में घूमना पड़ेगा, यही कंफर्टेबल लग रहा है। सिस्टम तो वही है, बस क्लच पकड़ना है। तो गाइस आई एम ड्राइविंग माय ब्रांड न्यू ट्रक, अलग लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। नहीं चलाएंगे तो नहीं, लेकिन इधर बहुत हेवी बात बोले, फिर से एक बार आप ड्राइवर में क्लासी नागेश कुमार, ऊपरी एक्सपीरियंस मस्त मजे। चलो घूम के आते हैं, सैर करने जा रहे हैं अभी, ऑल ओवर इंडिया इसी से घूम लेते हैं, मजा आएगा। बहुत महंगा पड़ जाएगा लेकिन। चलो भाई यार, एक अलग ही व्यू है, लेकिन जो भी टाटा ओपी बनाता है चीज। देखो ये यहाँ पे, ये बाकी एसी वैसी तो नहीं है, ये ऐसे ही नॉर्मल है, वो विंड जो आता है वही है, और बाकी काफ़ी सारे बटन्स हैं, ये सब ये इसके ऑपरेटर हैं। मेरे को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, लाइट है भी मीडियम हो तो सब। भाई ये तो प्रॉपर कार वाला सिस्टम दिया हुआ है, बेकार का ही टफ लगता है, बट हाँ चलाएंगे नहीं जब तक। उधर जब बैठे हुए ना सीढ़ी पे, दिख रहे बहुत आम इंसान, लेकिन है इस गाड़ी के मालिक तो हम तो है नहीं, तो हम चला नहीं सकते। यहीं से, अच्छा यहीं से ना। हाँ इसका अथॉरिटी बस इनको मिला हुआ है, तो ये चलाएंगे मस्त। हेलो आई एम फाइन। चलिए आइए, भैया बोली दी आई एम फाइन तो हम भी फाइन। देसी टेक्निक तेल भरने का, अरे क्या होता होगा फुल टंकी का, 40,000 का। अरे भाई साहब 480 का जोड़ लो ना भाई, 95 के हिसाब से जोड़ लो, जनरेशन नहीं ना होता, हाँ। चारा भी देना होता है। अभी एनर्जी बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं कैमरा नहीं उठाया हूँ। हम लोग यहाँ माँ ढाबा में एकमात्र 24/7 वाला ढाबा मिला है, वहाँ उतरे हैं। अभी का सिस्टम बड़ा सही सा, एकदम मस्त, बाहर खटिया अंदर भी सही है। ये चीज मम्मी मिस करेगी, असली मजा तो इसमें भाई बैठने लायक है कि नहीं, बैठने वाला ही है ना, पता चला जाके बैठ गया धड़ाम धड़ुम हो गया। इस होटल का बाथरूम अच्छा होना, वो होटल बहुत अच्छा होता। क्यों अभी जस्ट फेस वॉश करके आया हूँ, क्योंकि रात में अभी 1-1.5 घंटे हिसाब से कार चलाना। आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस, हॉस्पिटैलिटी से लेके हर कुछ अच्छा था। देख लो माँ होटल 24/7, ये पूरे रामगढ़ वाले रूट में ना यही होटल है एकमात्र जो आपको 24/7 देता है खाने को। रांची से लेकर रामगढ़ जब भी आओगे बैठ करके चिल मारो, खटिया लगा हुआ है, आराम करो।